इस संसार के अंदर वो लोग भी हैं जिन्हें प्राप्त हुआ लेकिन आदेश नहीं हुआ, वो लोग भी आपके किसी काम के नहीं हैं, जिनको परमात्मा तो मिल गया लेकिन उन्हें आदेश नहीं है। ये इस प्रकार से समझो कोई भी स्टोर है और उस स्टोर में सामान तो सारा रख दिया लेकिन मालिक ने बोल दिया कोई बेचेगा नहीं, स्टोर को ताला लगा दिया, मालिक तो तुम हो लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना। तो उसी प्रकार से वो लोग हैं जिन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया लेकिन आदेश नहीं हुआ उस परम तत्व का कि तुम्हें आगे नाम देना है, जीवों को जगाना है, परमात्मा की प्राप्ति करानी है, ये आदेश नहीं हुआ, वो लोग भी अभी आपके काम के नहीं हैं। जिन्हें परमात्मा प्राप्त हो गया वो आपके किसी काम नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें हुक्म ही नहीं हुआ है, और जब तक हुक्म नहीं होगा उसका तो आप किस प्रकार से आपका वो काम कर सकते हैं, वहाँ तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कितने हाथ पैर मारो, कितनी कोशिश करो, हाँ ये हो सकता है उनकी पवित्र ऊर्जा है बैठने से कुछ आप पॉजिटिव हो जाओ लेकिन आप वहाँ तक परम तत्व तक नहीं पहुँच सकते, आपके कर्म भी नहीं कट सकते क्योंकि उनको तो बेचारे को आदेश ही नहीं है, वो क्या कर सकता है। अगर उसने आदेश से बाहर काम किया तो वो काम ना आपके काम का होगा, सजा उसे भी मिलेगी। जिस प्रकार से मालिक के घर चोरी करके अगर कोई सामान बेचता पकड़ा गया तो सजा तो उसे भी होगी, तो आपके कोई काम के नहीं वो लोग। इसी प्रकार से जिन्हें नहीं मिला बस ऐसे ही घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और साधक लगते हैं और इसी प्रकार से अपने आप को तैयार किया है, वस्त्र वगैरह और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें डाल करके ये दिखाया कि हाँ हम संत हैं, हमारे जो महापुरुष हुए उनको उनकी कॉपी करते नजर आएंगे कि हमारे महापुरुष घोड़े पर चलते थे हम भी घोड़े के ऊपर चलेंगे, हमारे महापुरुष ऐसे वस्त्र धारण करते थे हम भी ऐसे ही वस्त्र धारण करेंगे, वो केस रखते थे हम भी केस रखेंगे, बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे। वो समझो आपकी आँख बांधने की तैयारी में है और वो आपकी आँख कभी न कभी बांध ही देंगे क्योंकि जो लोग जो महापुरुष होते हैं उन्हें आवश्यकता नहीं होती ऐसे काम करने की, उन्हें किसी के उस रास्ते के ऊपर दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, उस परमात्मा की इच्छा से चलते हैं, उसी के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उसी के शब्दों के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं, उसी के अनुसार रहनी में रहते हैं, करनी में करते हैं, उन्हें किसी की पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, ना हमारे पूर्वजों की ना हमारे पुराने संतों की, बिल्कुल भी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण तत्व हैं, उन्हें अपना अधिकार है, उन्हें अपनी तरह से रहने का उस परमात्मा ने अधिकार दे दिया है, उन्हें अपनी तरह से जीने का अधिकार दे दिया है, उन्हें अपने शिष्यों के चुनाव का अधिकार दे दिया है, उन्हें जीवों को पार उतारने का अधिकार दे दिया है। उन संतों में और उनमें कोई भेद नहीं रहता, एकाकार हो जाता है। जो हमारे पुराने संत हुए उनसे पुराने हुए आज जो महापुरुष हैं सब उसी तत्व के हैं, वहीं से आए हैं, वहीं मिल जाएंगे, वहीं जाना है, सब एक दरबार के वासी हैं, वहीं सबकी हाजिरी लगेगी, वहीं से निकल करके आए हैं, सब एकाकार हो जाएंगे। तो ऐसे लोग भी कोई काम के नहीं होते जिन्हें वहाँ तक दूर की गाड़ी ना हो। जिस प्रकार से आप यहाँ आए होंगे बस स्टैंड स्टेशन जहाँ भी गए, कुछ लोग फ्लाइट पकड़ के आए हैं, सब आसानी के लिए सुविधा के लिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से
सबसे जो वहाँ गाड़ी रुक जाए, जो वहाँ सीधा पहुँच जाए, आसानी से पहुँच जाए, उस साधन का हम लाभ लें और उसी में हम चले। अगर वहाँ की नहीं मिलती तो रास्ते की पकड़ पकड़ करके आते हैं। उसी प्रकार से जब दुर्ग की उस धाम की टिकट मिल जाए, वहाँ का पास मिल जाए, तो बीच की जो साधन है वो कोई नहीं पकड़ेगा। और अगर फिर भी वो पकड़ पकड़ के जाने की कोशिश करेगा, उनको लोग मूर्ख ही बोलेंगे, समय ही खराब होगा, आपका टाइम निकल जाएगा, जीवन छोटा सा है, ऐसा ये जीवन नहीं है कि आप सांस को रोकोगे और 10 साल तक रोके रहोगे, ध्यान में जाए, चेतना समाधि में पड़े रहोगे, इतना लंबा जीवन नहीं है। जीवन बिल्कुल छोटा सा है, अगर गुरु का सहयोग ना मिला तो सूरत जागेगी नहीं। कितना भी प्रयास करें, कितना भी हाथ पैर मारें, कितना भी कोशिश करें, इस समय के ऊपर, इस क्या उस समय के ऊपर भी पूर्ण गुरु के बिना सूरत की चढ़ाई नहीं होती, और सूरत की चढ़ाई हुए बगैर मंजिल के ऊपर जीव नहीं पहुंच सकता। कितनी भाग दौड़ करते रहो, कितनी कोशिश करते रहो, तो वो भी अपने किसी काम का नहीं है। जो तीसरे लोग होते हैं, जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित किए गए लोग हैं, जो परमात्मा के द्वारा निश्चित किए गए लोग हैं, वो लोग आपका कल्याण करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। उन लोगों की आवश्यकता उस उम्र में होती है। किस उम्र में? जब काम का प्रभाव होता है, 12-14 वर्ष की उम्र में, कि काम का प्रभाव हो गया, दिशा दिखाने के लिए, भजन के लिए, ऊर्ध्वगामी स्थिति के लिए, मन को रोकने के लिए ऐसे महापुरुष की तलाश होती है, और उसके माध्यम से जीव को जगाने के लिए और इंद्रियों के ऊपर का कंट्रोल करने के लिए उस समय गुरु की आवश्यकता होती है और पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। तो जिससे बच्चे को दिशा दी जा सके, लेकिन दिशा दी नहीं जा रही, उन्हें काम के वेग के कारण ऐसे ही जीव भटक जाता है, कहीं भी फंस जाता है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होने लगते हैं,